गाइस ये चेक करें, बिल्कुल फ्रंट वाला व्यू। मैं अभी घर जा रहा था तो मैंने सोचा वो जाते हुए इसका फ्रंट वाली साइड। हाय स्माइल। हाय हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं हसन, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने शहर के वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस पे लेके ले आज। इसको कहते हैं बंगला रोड, इसको बंगला कहते हैं एक हिसाब से। आप लोग देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत प्लेस है ये। रेस्ट हाउस आई थिंक इसको कहते होते थे पहले, मुझे तो पता नहीं था क्या था, लेकिन मैं इसको कहता था नवाज शरीफ का घर। लेकिन मुझे बाद में पता चला एक रेस्ट हाउस है, पता नहीं किस चीज़ के लिए काम आता। और ये आप लोग चेक कर सकते हैं पीछे, क्या ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेसेस हैं, हम लोगों को सब चीज़ें दिखाएंगे। ये देखिए पीछे हरा भरा खेत है, ये बड़े बड़े सफेदे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। और वो आप लोग पीछे आवाज़ कर सकते हो, वो बिल्कुल नहर के पास, आप लोगों को नहर भी दिखाएंगे, बिल्कुल साथ ही है। वहाँ पर बहुत बड़ी एक हवेली बनी हुई है, मैंने सुना है वो 10 करोड़ में बनी है। तो हम भी लेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे व्लॉग पे न्यू आए तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दें, जैसा लोग उसका शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आप लोग चेक कर सकते हैं क्या ये खूबसूरत व्यू है, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। ये एक पूरा वो घर टाइप बना हुआ है, रेस्ट हाउस। आप लोगों को दिखाते हैं अभी, अंदर से तो नहीं दिखा सकता क्योंकि आई थिंक मना है अंदर जाना, और बंद भी है अंदर से। और यार सबसे बड़ी बात, अभी हम लोगों के मुल्क में, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन का मसला चल रहा है। आप लोग ज़रूर बताना आप लोग कौन सी पॉलिटिक्स को, कौन से पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हो। मैं तो किसी को करता हूँ यार, जो चीज़ है मैं उसके साथ हूँ। चीटिंग करता है तो आप लोग ज़रूर बताना आप लोग किसको फॉलो करते हो। आई थिंक रिसेंटली जो हमारे वज़ीर आज़म हैं या प्रेजिडेंट हैं वो नवाज शरीफ हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कौन है, और आप लोगों ने कितने रोज़े रख लिए हैं यार। सबसे स्पेशल यार रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशियों का महीना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने अभी तक रोज़े हैं सारे रखे, और आज भी रोज़ा रखा है। और रोज़ा रखने के बाद मुझे आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए व्लॉग बना लूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी भूतिया टाइप, जैसे हॉरर मूवीज़ में घर होते हैं ना वैसे, इसके दरवाजे फुल बंद है, ताले लगे हुए हैं। तो अंदर तो जा नहीं सकते, आप लोग बाहर से इंजॉय करें। आप लोगों को उम्मीद है काफ़ी पसंद आ रहा होगा, आप लोग वो चेक करें। एक जन आप लोगों का दूसरे कैमरे से दिखाई, ये सामने वाला कैमरा है, आप लोग यहाँ से वही एंजॉय कर सकते हैं। चेक करें क्या ये खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर आके लोग पिकनिक मिलाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। फिलहाल के टाइम तो मैं अकेला ही आया हूँ, मेरे दोस्त भी आना चाहते थे लेकिन मैं अकेला आ गया क्योंकि उनको मैंने बताया नहीं हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या ये खूबसूरत प्लेस है, बड़े बड़े सफेदे लगे हुए हैं, दरख्त हैं। ये चेक करें, ये आई थिंक यहाँ पर सब्ज़ियाँ भी बीजी जाती हैं, नहीं मुझे ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप लोग चेक कर सकते हैं क्या ये खूबसूरत प्लेस है। अभी कैमरे की मेरा ज़रा प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों को अगर मैं रियल लाइफ में आप लोगों को दिखा पाता तो क्या ही होता। ये चेक करें, वो जो आप लोगों को ज़रा थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है ना, वो अभी आप लोगों को मैं पूरा व्यू करवाऊँगा। वो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत कोठी है, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, फुल बेसमेंट टाइप, बहुत टॉप क्लास कोठी है। और उस पास ही नहर है, आप लोगों को वो भी दिखाएँगे। ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पर बैठने के लिए लोग आते हैं, स्कूल टाइम में आते हैं, ये सफेद लगे हैं। और सामने की तरफ वो चेक करें, ये पूरा व्यू है रेस्ट हाउस का। ये हमारा रेस्ट हाउस है, मैं जिसको कहता था नवाज शरीफ का घर। मुझे कुछ भी नहीं पता था। और वो सामने की तरफ आप चल चेक कर सकते हैं, सामने तरह ये खेत हैं, ये सब्जियां वगैरह क्या है कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, जो लोग गाँव से दिख रहे हैं उनको तो पता होगा क्या चीज़ है। आप लोगों को ज़रा पास से जाके दिखाता हूँ मैं। तो यार रोज़े इन्जॉय कर रही हूँ, मुझे ज़रूर बताना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो रोज़े ज़रा बराबर ही लग रहे, ज़रा महसूस भी नहीं हो रहे, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे रोज़े गुजरे जा रहे हैं। अभी इफ्तारी का टाइम होगा तो इफ्तारी भी करेंगे। तो ये देख सकते हैं यार, जो लोग गांव से मेरी वीडियो को वॉच करें प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये क्या चीज़ है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। और शहर वाले कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। ये क्या है, ये आई थिंक यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा करते हैं, ये भी इसका ही कुछ होगा इस घर का। ये आप लोग इसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, बैक व्यू ये है इस घर का, ऐसे बहुत बड़ा सा घर बना हुआ है भूतिया टाइप। देखना कोई भूत ही ना आ जाए अंदर से, काश कोई चुड़ैल खींच के ले जाए। तरसे हुए आशिक, कैसा लगा मेरा मजाक? ये चेक कर सकते हैं आप लोग, इसको भी ताले लगे हुए हैं। ये भी मुझे लगता है इस रेस्ट हाउस का ही हिस्सा है, आई डोंट नो क्या है ये। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग इस प्लेस पर कभी आए हो, और मैं आप लोग कौन से सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो ये बताना। और आप लोग जानते हो ये कौन सी प्लेस है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये कौन सा सिटी है जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग ज़रूर बताना, गैस करना। देखते हैं किसका कमेंट सही होगा, जिसका कमेंट सही होगा उसका मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और प्लीज़ मुझे जैसा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। यार मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट अच्छा से अच्छा ब्लॉग बना सकूँ। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आता होगा। अभी आप लोगों को ले कर चलेंगे नहर पर,
बहुत ही ज़्यादा बड़ी और नहर खूबसूरत है हमारी। इस नहर पे बहुत ज़्यादा हादसा होते रहते हैं। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, रिसेंटली 2-3 बंदों ने यहाँ पर छलांग लगा दी थी नहर के अंदर। तो बड़ी ख़तरनाक नहर है हमारी यहाँ की। आप लोगों को वही पास जाके दिखाऊँगा। मैं यहाँ से वीडियो कट कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को काफ़ी बोरिंग लगेगी। तो आ जाएँ जी, आप लोग व्यू चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा है। अभी मैं नहर की तरफ जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का व्यू भी। ये चेक करें, वो सामने रेस्ट हाउस है, वो दूर है और इससे थोड़े से कदमों पे नहर आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे शहर की बहुत ही बड़ी नहर है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी आप लोग कह सकते हैं। आप लोग काफ़ी ऊँची जगह है और रेडी हो देखने के लिए। 1, 2, 3 यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। यार हार्ट टचिंग सीन। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी प्यारी खूबसूरत लग रही होगी। यार बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक नहर आप लोग इसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। ये चेक करें, ये बहावलपुर तक आई थिंक नहर जाती है आप लोगों को। बस ये चेक करें, जो मैं आंखों से देख रहा हूँ साफ ज़ाहिर है, वह आप लोगों को कैमरे से तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप लोग ज़रा इससे हिसाब लगा सकते हैं कितनी खूबसूरत प्यारी नहर है। यहाँ पर लोग इन्जॉय भी करें, कोने भी बैठे हम लोगों को वो भी दिखाएंगे। वो चेक करें, वो लोग बैठे हैं यहाँ पर। ये बहुत लंबी नहर है, वहाँ पर इसका पुल बना हुआ है। यहाँ पर बहुत हादसा हो जाता है, मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा, मुझे डर लग रहा है। वो सामने की तरफ स्कूल बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा शहर है। आप लोग मुझे ऐसा सपोर्ट करें, आप लोग मैं अपने पूरे शहर का टूर करवाऊँगा, आप लोगों को अपना पूरा शहर दिखाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा शहर बहुत पसंद आया होगा। ये चेक करें, यहाँ सा क्या ही तो खूबसूरत व्यू आ रहा है। वो रेस्ट हाउस है, ये है, वो सामने की जो है आप लोगों को दिखाए थे वो उसके सेकंड साइड है, वहाँ पर भी ऐसे हरा भरा। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सुकून दे जगह आप लोगों को अभी यहाँ की वो दिखाते हैं, हवेली जिसको मैं कह रहा हूँ। वैसे रेस्ट हाउस के पास ये गली नहीं सॉरी रोड, अभी आप लोगों को दिखाते हैं हवेली या कोठी जो भी आप लोग कह रहे हो। ये चेक करें, बहुत ही ज़्यादा फिल्मी टाइप जैसे कोठियाँ होती हैं ना, वैसे कोठी बनाई है, बहुत ज़्यादा टॉप क्लास और लग्जरी है और कोठी आप लोगों को दिखाते हैं। ये चेक करें, ये इसकी एक साइड है, आप लोगों को इसका फ्रंट साइड भी दिखाता हूँ। इसका फ्रंट है कोठी, आप लोग चेक करें क्या खूबसूरत और लग्जरी है। यहाँ पर आई थिंक लैंड क्रूजर भी, इनके पास होंडा सिविक भी है, बहुत ही खूबसूरत प्यारा घर है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये इसकी बिल्कुल फ्रंट वाली साइड है, वो आप लोगों को मैंने साइड वाला व्यू दिखाया था अभी। चेक करें, ड्रीम हाउस आप लोग कह लो, ऐसे भी टॉप क्लास और बड़ा मैं घर बनाऊंगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो। प्लीज़ मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, मेरी वीडियोस को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें मेरे व्लॉग्स को। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आ रहा होगा और काफ़ी पसंद आया भी होगा। मेरे लिए दुआ करना कि मैं सारे रोज़े रखूँ, आप लोगों के लिए भी ये मेरी गुजारिश है कि सारे रोज़े रखें। गाइस ये चेक करें, बिल्कुल फ्रंट वाला व्यू। मैं अभी घर जा रहा था तो मैंने सोचा वो जाते हुए इसका फ्रंट वाली साइड। गाइस चेक करें, क्या ही तो प्यारा और खूबसूरत व्लॉग आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कोठी है। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप लोगों का भाई भी ऐसे बनाएगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। इसके पास ही बिल्कुल सामने नहर है, ये प्यारा सा बगीचा और ये सामने नहर। चेक करें आप लोग, प्लेस हो तो ऐसी बहुत ही टाइप घर नहीं, जैसे हम लोग कंचना फिल्म में गए, आप लोगों ने शायद देखे हो या ना देखे हो, उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे व्यू होता है। और चेक करें क्या ही तो खूबसूरत व्यू है यार। आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, आप लोग देख सकते। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों ने ये देखा होगा घर, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही घर हम भी बनाएंगे अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो। प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो ऐसे ही मैं व्लॉग बनाता रहूँगा, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।